तो एक्सरसाइज स्टार्ट करता है 1.1, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। तो हमको करना है डिटरमाइन वेदर द बिलो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिलेशन हमारे पास क्या है, ये है कि 3x - y इज इक्वल टू 0 है। हमें ए सेट दे रखा है जिसमें रिलेशन है कि 3x - y इज इक्वल टू 0, मतलब हमें एक्स और वाई के वो पेयर ढूंढना है जो 3x - y इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करे। तो 3x - y इज इक्वल टू 0 को इन नंबर में से कौन से पेयर सेटिस्फाई करेंगे, इसमें से एक रिलेशन बनाना है इसी सेट के ऊपर जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। यानी जैसे यहाँ से 1,3 इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3 रखोगे तो 1,3 सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे 2,6, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो 1 है वो इसी सेट में से आ रहा है, और जो सेकंड एलिमेंट है जो कि 3 है वो भी इसी सेट में से लेना है, और ऐसे पेयर बनाना है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो 1,3 कर रहा है सेटिस्फाई, 2,6 भी सेटिस्फाई करेगा, एक्स की वैल्यू 2 रखो तो वाई की वैल्यू 6 रखने पर ये 0 सेटिस्फाई कर रहा है। 3,9 वैसे 4,10, ये 4 हमारे पास पेयर है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये हमारे पास आ गया, अब हमें ये करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है या नहीं, ये देखना है अपन। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, ये रिलेशन इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ x, x बिलोंग्स टू r, यानी उसमें मतलब जैसे 1, 2, 3 अप टू 14 है ना ऐसे, और अपने रिलेशन में 4 एलिमेंट, ये सब 4 ही पेयर आ रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि इसमें जैसे 1,1, 2,2, 3,3 इस टाइप के पेयर आ रहे हैं ये, तो यहाँ पर सिंपल सी बात तो दिख रहा है कि नहीं आ रहे, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। मतलब अगर इसमें जैसे 1,1, 2,2, 3,3 ये एलिमेंट आए तो, लेकिन वो पूरा आने चाहिए 14,14 तक, ये पूरा आने चाहिए। अगर मान लो शुरू के 2 ही आए तो भी नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, ये पूरे एलिमेंट आने चाहिए तभी जाके वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसमें तो एक भी नहीं आ रहा तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं। सिमेट्रिक का क्या होता है कि इफ एक्स कोमा वाई है, जैसे अपने पास 1,3 है तो यहाँ पे 3,1 भी होना चाहिए। 3,1 नहीं है तो वो सिमेट्रिक भी नहीं है। 2,6 है तो 6,2 भी हो, 3,9 है तो 9,3 भी हो, 4,12 है तो 12,4 भी हो, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। उसके बाद ट्रांजिटिव, इफ एक्स कोमा वाई है अपने पास, मान लो 1,3 है और वाई कोमा जेड है, यानी 1,3 एक्स कोमा वाई यानी वाई की वैल्यू 3, वाई कोमा जेड यानी वाई की वैल्यू 3 एंड जेड की वैल्यू 9, ये दोनों है 1,3 एंड 3,9, यानी एक्स कोमा वाई एंड वाई कोमा जेड है, तो अपने पास एक्स कोमा जेड यानी 1,9 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं वैसा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। बस अपन को डेफिनेशन पता तो होनी चाहिए, और इस रिलेशन में जो जो एलिमेंट दे रखा है उस हिसाब से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको अच्छा लगा होगा।